खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां श्रीनगर में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ है। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं, 1 जवान शहीद है। तो वहीं पंथ चौक में देर रात शुरू हुई थी ये मुठभेड़, बाइक सवार आतंकियों ने हमला किया था। पुलिस और CRPF का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 24 घंटे में 9 दहशतगर्द मारे गए हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले 1 आतंकी मारा गया था। सुरक्षा बलों के अभियान में अब तक श्रीनगर में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। अभियान में 1 पुलिसकर्मी, ASI और बाबूराम शहीद हुए हैं। अभी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने श्रीनगर के पंथा चौक पर पुलिस और CRPF के संयुक्त नाके पर शनिवार देर रात को गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, तभी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर दोबारा फायरिंग की। गोलीबारी में पुलिस के ASI बाबूराम शहीद हो गए। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चले कि कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 24 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ को लेकर 9 आतंकी मार गिराए हैं। दक्षिण कश्मीर में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 8 आतंकियों को ढेर किया गया है। शनिवार तड़के भी पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस दौरान 1 जवान वीरगति को प्राप्त हो गया, जबकि 1 अन्य सैन्यकर्मी घायल हो गया। तो श्रीनगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा लगातार जो आतंकी हैं उन्हें मारा जा रहा है, उनकी जो कोशिश है उसे नाकाम कर दी गई है सेना के जवानों की तरफ से। श्रीनगर में आतंकियों का सफाया किया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पुलवामा में शहीद हुए प्रशांत कुमार का पार्थिव शरीर जब मुजफ्फरनगर पहुंचा तो हर तरफ देशभक्ति के नारे गूंज उठे। रविवार सुबह पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान पहुंचे शहीद के गांव, और जहां प्रशांत के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तस्वीर देखिए, मुजफ्फरनगर के इस लाल को अंतिम सलामी देने के लिए दोस्त, रिश्तेदार, पुलिस और सेना से जुड़े लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। शहीद के अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के जुदर क्षेत्र में शुक्रवार की रात को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने अचानक सेना के जवानों पर हमला बोल दिया था। इस दौरान मुजफ्फरनगर के लाल प्रशांत शर्मा बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें आर्मी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। जवान प्रशांत और उनके अन्य साथियों ने शहादत से पहले 3 आतंकी मार गिराए थे। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, शहीद प्रशांत की शहादत को सलाम देने के समय की ये तस्वीर है। और अंतिम विदाई में यहाँ पर पूरा गांव उमड़ा है, काफ़ी भीड़, रिश्तेदार, दोस्त और अन्य जितने भी सेना के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, और साथ ही उन्हें सलामी भी दी गई, अंतिम सलामी देश के इस वीर सपूत को, इस लाल को अंतिम सलामी दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर है, और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से सलामी दी जा रही है सेना के इस जवान को और इस बेटे को, जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।